नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। खबरों को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर खबर की करंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट स्थित अम्बेडकर मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 64वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा बहन जी के जन्मदिन पर 64 किलो का केक काटकर जश्न मनाया गया और कहा कि हम लोग यहां से संकल्प लेते हैं कि अगले चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आजमगढ़ में बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता काफी संख्या में देखने को मिले। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन विधायक लालगंज हरिमर्दन व संगीता आजाद सांसद लालगंज द्वारा किया गया। इस अवसर पर सहभागिता करने वाले विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली, विधायक के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर सहित कई दिग्गज नेता दिखाई दिए। बहन जी का जन्मदिन मनाया गया है, उनका जन्मदिन और क्या योजनाएं आगे यहां से? आज पूरे देश में बहन जी का जन्मदिन खुशी के साथ मनाया जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह के साथ ये जाड़े के मौसम में लोग आए हैं। इसलिए योजना का हम लोगों का संकल्प है कि इस देश में अमन चैन भाईचारा सुकून लाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और साथ ही साथ बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज जन्मदिन के अवसर पर संकल्प ले रहे हैं कि 2022 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये हम लोगों की योजना है और इसी आधार पर चलती रहेगी। जहाँ सर्वदल सीए का विरोध, एनआरसी का विरोध, उस पर आप लोग का क्या कहना है? कितना हम लोगों का बहन जी का खुला निर्णय रहा है कि यह संविधान विरोधी कानून है। कुछ पार्टियां चौराहे पर जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहन जी के जन्मदिन मनाए, बोल उनकी लंबी उम्र के लिए बधाई दिए हैं, उनकी लंबी उम्र हो। और जो उनका शासन काल था सबसे बढ़िया था, पूरी जनता सराहना कर रही है। इनकी लंबी उम्र ज़्यादा बढ़ेगी तो आसार के जिस संकल्प लिए हैं बहन जी को हम लोग फिर से मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। हाँ, योगी और मोदी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ TV20 न्यूज पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।